आ जाओ आ जाओ, ये झूला झूलो और 20,000 रुपए इनाम लेके जाओ। आ जाओ आज झूला झूलो और 20,000 लेके जाओ। क्या ये सच है भाई? हाँ जी भाई, एक रत्ती बराबर भी शक नहीं है, सब सच है। तो फिर ये कौन सा मुश्किल काम है? तुम 20,000 रुपए निकालो, मैं अभी झूला लेता हूँ। और रुक जा भाई, थोड़ा सा हौसला कर ले। इस खेल को खेलने के लिए सबसे पहले तुम्हें इस खेल के उसूल जानने होंगे। उसूल? कौन से उसूल? जरा जल्दी बता। अभी बताता हूँ, बाहर आओ। झूला लेते वक्त तुमने अपने पाँव को इस लकड़ी पर टच करना है। अगर तुम्हारा पाँव इस लकड़ी पर टच हो गया तो तुम्हें मिलेंगे पूरे के पूरे 20,000 रुपए इनाम। पाँव टच ना होने की सूरत में उल्टा तुम्हें मुझे 10,000 रुपए देने होंगे। और हाँ, याद रहे, 10,000 रुपए में इस खेल को सिर्फ एक ही बार खेल सकते हो। दोबारा खेलने के लिए तुम्हें 10,000 रुपए और देने होंगे। अगर तुम्हें मेरी ये शर्तें मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो अपना रास्ता नापो और निकलो यहाँ से। मुझे ये शर्तें मंजूर है। तो फिर देर किस बात की हुजूर, आइए झूलिए झूला और ले जाइए 20,000 रुपए इनाम। तुम ये शर्त हार गए, अब निकालो मेरा 10,000 रुपए निकालो। ये लो, निकलो अब यहां से। आज तो सवेरे सवेरे 20,000 के चक्कर में 10,000 का नुकसान करवा बैठा। ये बंदा तो बहुत ही फुर्तीला है, क्यों ना इस बंदे को। अरे भैया, तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मैं तुझे 5,000 रुपए दूंगा। काम बोल, सौदा मंजूर है। तो चल फिर आजा। चल। आज तो सुबह सुबह 10,000 रुपए की दिहाड़ी लगी है। अगर इसी तरह मेरा ये ईमानदारी वाला कारोबार चलता रहा तो मैं तो रातों रात 2 करोड़पति बन जाऊंगा। आ जाओ। अब ये गेम मेरा ये फुर्तीला शेर खेलेगा, तुम 20,000 रुपए तैयार रखो। आजा शेर, तू भी खेल खेल ले। चल मेरे शेर, तुमने झूले पे बैठ के झूला लेते हुए अपने पाँव को इस लकड़ी पे टच करना है। ठीक है बॉस, तू 5,000 रुपए तैयार रख। ठीक है। मेरा शेर जीत गया, जल्दी 20,000 रुपए निकाल, जल्दी कर। एक मिनट, अगर तुम्हारा ये शेर एक बार फिर इस लकड़ी पे अपना पाँव टच करे तो मैं 50,000 रुपए दूंगा, नहीं तो लूंगा। ठीक है, मुझे ये शेर भी मंजूर है। चल मेरे शेर, एक बार फिर टच करके दिखा दे, इस बार 50,000 रुपए का सवाल है। बॉस फिकर मत कर, समझ जाओ 50,000 रुपए जीत गए। ठीक है। चल बे शेर, जल्दी शुरू हो जा। नारे बड़े वाला जंप। मैं इस बार शायद जीत गया। चलो 50,000 रुपए निकाल, निकाल 50,000 रुपए, जल्दी निकाल। ये ले, मैं तो बर्बाद हो गया, कमीने ने मेरा 50,000 रुपए डुबो दिया। चल बे, मेरा हिस्सा भी निकाल। ये ले तो अपना हिस्सा। अच्छा ये बता, हम दोनों मिले हुए, कहीं उसे शक तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अभी हमारा हिसाब बराबर नहीं हुआ। अबे तू मुझे थप्पड़ क्यों मार रहा है? उसने भी मुझे 2 थप्पड़ मारे थे, अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। कमीना।